हरी बोल हरी बोल हरी बोल, जय जय श्री राधे राधे राधे, ब्रज वास कराधे, जय जय श्री राधे। हरी बोल हरी बोल, नहीं लागे कोई मोल, सुबह शाम दिन रात हरी बोल हरी बोल हरी बोल, जय जय श्री राधे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल दिल्ली अपने निवास स्थान से दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को पवित्र एकादशी के दिन आज फिर एक हरि नाम के साथ हाजिर है। आज ये मन में भाव दिए श्री हरि ने, मात्र 45 मिनट में प्रभु ने भाव लिखवा दिया। ये कृपा है मेरे गोविंद श्री हरि नारायण राधा रानी की, जो मन में दास के भाव उतारती हैं, लिखवाती हैं और गवाती हैं। तो आज भाव ही हरि का है और हरि में ही ये संसार समाया है और हरि ही हमें समाए हैं, ये सच्चाई है। सबसे पहले आपको सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल पारण का समय है, सुबह 28 तारीख को 6:30 से 9:30 के बीच में आपका पारण का समय है, जो कि एकादशी व्रत का पारण होता है। उपवास का, माफी चाहूंगा, ये उपवास होता है व्रत। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि भौतिक सुख साधन की इच्छा के लिए वो व्रत होते हैं, और जो श्री हरि के लिए रखे जाते हैं, गोविंद के लिए रखे जाते हैं, वो उपवास होते हैं। इसकी महिमा मैं कई बार बता चुका हूं। तो आइए बिगर समय गए पहले हरि की बात करते हैं। जिसका सहारा हरि बन जाए ना, वो जीवन में कभी भटकता नहीं है। गोविंद की गलियों में जाने वाला कभी वासना की गलियों में गिरता नहीं है। गोविंद संभाल लेता है, मैं दूध का धुला नहीं हूं, कई बार बोल चुका, मन भटकता है, लेकिन श्री हरि से कहता हूं प्रभु आप संभालो। और कई लोग कहते हैं एकादशी तो वो रखते हैं जो शुद्ध हो। अरे शुद्ध तो इंसान कोई धरती पर है ही नहीं, शुद्ध होता तो अब तक हमें मुक्ति नहीं मिल गई होती। हम सब मलिन पतित अनंत जन्मों के भोगी। जिसने इस जन्म में कोई गलती ना करी तो ये ना बोले गलती नहीं करी जन्म में तो आप शुद्ध हो गए, आपके अभी पुण्य एक्टिव हैं और आपके कर्म के अनुसार आपको इस समय जन्म में गलती से बचाया गया, तो उसका मतलब ये नहीं आपने गलती नहीं करी। जिस पल हम हरि का नाम नहीं जप रहे वो हम पाप ही कर रहे होते हैं। हमें जब पुण्य मिलते हैं उसकी एक सीमा होती है, जब पुण्य खत्म होता है पाप एक्टिव होता है, तभी भटकना पड़ जाता, तभी पाप योनि में गिरना पड़ जाता, या शारीरिक रूप से दुख संकट झेलने पड़ते हैं बीमारी के रूप में, ना जाने किस किस समस्या के रूप में। तो ये बात आप समझ लो, इसलिए कोई दूध का धुला नहीं। इसको जो हमारे मन चित्त को जो शुद्ध कर दे और प्रभु से मिलवा दे, वो है हरि नाम। इसलिए जपते रहो हरि नाम, बन जाएंगे तुम्हारे सारे बिगड़े काम। तो आइए बिगर समय गवाए मेरे, देखिए मैं इस भाव को बड़े सरलता से सुनाऊंगा, दोनों कान में हैंड फ्री लगा के सुनिएगा। बहुत शांत भाव है, बहुत शांत भाव है, और शांत भाव से ही मैंने ये भाव को लिखा है। और आनंद की बात है, आनंद की रस धारा है इस भाव में। इसलिए मैं आपको ये चीज बड़े प्यार से समझाऊंगा और ध्यान से सुनेगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर बाद में बात करेंगे क्या। मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई सगा हमारा है, हर रिश्ता जग का झूठा है, रिश्ता जग का झूठा है, बस हरि हमारा है, मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई। देखिए मैंने बताया हरि से बढ़कर जग में ना कोई सगा हमारा, दुनिया के हर रिश्ते झूठे मैं हमेशा बता रहा हूँ, और ये बात आज उसी पे भाव लिखा गया है और प्रभु ने दिखाया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बड़े कर जग में ना कोई। हरि बोल, जन्मों जन्म के साथी हमारे, हरि हमारे सबसे प्यारे, जन्मों जन्म के साथी हमारे, हरि हमारे सबसे प्यारे, छोड़े ना जो साथ हमारा, हरि नाम है ऐसा सहारा, जिसने जपावो, जिसने भी हरि नाम जपावो, बन गया हरि का प्यारा, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई। ध्यान दीजिए एक एक शब्द को,
सच्चाई व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है दास, इसलिए समझ लेना एक रिश्ता गोविंद का हरि का सच्चा, बाकी सब झूठे हैं। निस्वार्थ जो प्रेम दे वो गोविंद हमारे हैं, वो बदले में स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं देते, उनकी कृपा है हम पे प्रेम बरसाना, वह दया के सागर हैं, तभी जिस पे दिल आता है कृपा बरसाते हैं। माया से जो मुक्त करा दे, जो भक्ति की राह दिखा दे, माया से जो मुक्त करा दे, जो भक्ति की राह दिखा दे, दुनिया के हर बंधन से जो जीते जिया जाद करा दे, जन्म मरण से मुक्ति दिला दे, जो जन्म मरण से मुक्ति दिला दे, जो वो है हरि का नाम। मेरे हरि से बढ़ कर दुनिया में कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई। हरि बोल सुबह शाम दिन रात, हरि हरि बोल। जितना हरि का नाम जपोगे उतने तुम्हारे पापों का नाश होगा, चेतना शुद्ध होगी और मन से अंधकार मिटेगा। हरि नाम की महिमा न्यारी, हरि में है ये सृष्टि सारी। ध्यान दीजिएगा, हरि नाम की महिमा न्यारी, हरि में है ये सृष्टि सारी, कण कण में जो वास करे वो हरि की ही है शक्ति सारी, हर काया में हरि ही समाए, हर काया में हरि ही समाए, हम सब हरि के प्यारे, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई सगा हमारा है, हर रिश्ता जग का झूठा है, हर रिश्ता जग का झूठा है, बस हरि हमारा है, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई सगा हमारा है, मेरे हरि से बढ़ कर जग में ना कोई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मद मन के दरवाजे खोल, बंद मन के दरवाजे खोल, चेतना शुद्ध हो जाए इतना हरि का नाम बोल, मन से जो विकारों का नाश कर दे वो हरि नाम है, मन से सारे भोग वासना को जो मिटा दे वो हरि नाम है, पाप की गलियों में वासना की गलियों में से जो जाने को रोक ले वो हरि नाम है। हरि नाम ही सबका सहारा, हरि नाम ही सबका गुजारा, जिसने हरि को पुकारा हरि ने आकर उसको संभाल। तो फिर बोल रहा हूँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोलो गोविंद गोपाल बोलो, सीताराम बोलो, श्री हरि लक्ष्मी नारायण बोलो, नरसिंह भगवान बोलो, जिस भी हरि नाम में आपकी प्रीत लग जाए बस रम जाओ रमा दो, जहां मन रम जाए वहीं राम है, मेरे राम ही राधा माधव, मेरे राम ही घनश्याम है। तो बोलो जय सियाराम जय हनुमान, बोलो जय राधे श्याम, बोलो जय लक्ष्मी नारायण जी की, मेरे गोविंद मेरे गिरधारी जी की, ब्रज धाम की जय हो। तो ये भाव अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आप में से जितने भी हरि भक्त मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। और आप में जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरे नंबर 9212382938 पे व्हाट्सएप कर दे अपने नाम के साथ और अपने शहर के साथ, मैं वॉइस मैसेज में चाहे महिला और पुरुष मैं उनका परिचय लेके उन्हें जोड़ता हूँ तसल्ली होने पर। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ मैं मलिन पतित पापी हूँ, मैं कोई संत बाबा नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई दाढ़ी बना के कोई संत बाबा बनना, मैं तो अपने गोविंद का छोटा सा दास हूँ। मैंने गोविंद से सिर्फ ये कहा तेरी भक्ति नहीं चाहिए तेरा प्रेम चाहिए, वो भी तू देगा तो मैं तेरे को प्रेम कर सकता हूँ, वरना हम तो माया के लोभी हैं, माया के भोग में फंसे पड़े।
इसलिए हमें प्रेम करना नहीं आता। आज ये भाव जो दे रहे हैं मेरे गोविंद श्री हरि नारायण सीताराम की कृपा से आज दास आप तक पहुँचा पा रहा है, वही लिखवा रहे हैं, वही गवा रहे हैं और वही आप तक पहुँचा रहे हैं। अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, गोविंद में अपने आप को रमा लो। कलयुग में गोविंद ही सहारा है, जितनी जल्दी हो सके गोविंद का दामन थाम लो। ध्यान दीजिए, जितनी जल्दी हो सके गोविंद का दामन थाम लो, ना जाने कलयुग तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे। यही हरि नाम है जो हर कलयुग की मार से आपको बचाएगा। जहां हरि नाम होगा वहां कलयुग का प्रकोप खत्म हो जाएगा, ये बात लिख के रखना। मैं अनंत जन्मों का भोगी पापी हूं, उसके बावजूद भी मेरे गोविंद ने मुझ पर कृपा की, ना जाने क्या किस, मैं तो दया का पात्र भी नहीं हूं, कृपा का पात्र भी, ना जाने राधा रानी किस भाव पे कहां रीझ गई, कहां मेरे गोविंद तो मुझ पे दिल आ गया जो मुझ पे दया की बरसात कर रहे हैं। और जो मन में जो इंसान ने कभी भगवान को हाथ नहीं जड़ा, उस नास्तिक मलिन पति पापी के अंदर अंतःकरण में भाव देके आप तक पहुंचा रहे, ये कृपा नहीं तो और क्या है। तभी तो मैं खुआर उठा के कहता हूं मेरा गोविंद मेरे हरि मुझ पे फिदा है। लोग तो गली के गुंडों बदमाशों पे फूलते ना कॉल उठा के, मैं तो गोविंद पे फूलता हूँ, मेरा गोविंद मुझ पे फिदा है। यही तो सच्चाई है जो मैंने बताई है। इसलिए घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फैलाना है, घर घर श्री कृष्ण मेरे गोविंद सीताराम मेरे श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सीताराम को बचाना, यही दास के एक मन की इच्छा है। बस अपना गोविंद का प्रचार बनूं, मेरी वाणी जहां तक जाए वो गोविंद की भक्ति में लग जाए, लगेगा मन लगेगा। किसी पे उंगली मत उठाओ, बस अपने अपराधों की क्षमा मांगो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बस अब कृपा करो, अब वासना की गलियों से निकालो, हम पे कृपा करो। वो रीझती हैं करुणामयी राधा रानी, रीझती हैं मेरा गोविंद, दया दिखाता है। देखा नहीं मैं कितनी मस्ती में रहता हूँ, हम मस्ती में मस्ताने हैं, हम शाम के दीवाने हैं, वृंदावन की गलियों के हम तो आशिक बड़े पुराने हैं। ये दिल की लगी ये ऐसी लगी है, ये दिल की लगी ये ऐसी लगी ये आशिक ही बस जाने है। हम मस्ती में मस्ताने हैं, हम शाम के दीवाने हैं, वृंदावन की गलियों के हम तो आशिक बड़े पुराने हैं। तो ये दास का परिचय है, मैं तो गोविंद की गलियों का दीवाना आशिक मस्ताना हूँ, मस्त रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ, गोविंद की मस्ती में झकास रहता हूँ। तो जिंदगी जियो झकास, बाकी सब बकवास। गोविंद से नाता जोड़ो, दुखों से नाता तोड़ो, गोविंद से नाता जोड़ो, पाप से नाता तोड़ो, और गोविंद से नाता जोड़ो, गोविंद की बाहों में प्रेम बाहों में झूलो। तो चलिए, अच्छा लगा तो भाव से शेयर कीजिएगा, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल सुबह फिर बता रहा हूँ द्वादशी का पारण का समय, सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में। आप सबका दिन शुभ हो। दास दीपक की प्रेम भरी आपको राधे राधे, श्री राधे, खुश रहिए।